रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को शेयर बाजार के कारोबार में इतिहास रच दिया। रिलायंस ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक कोई दूसरी कंपनी नहीं कर पाई है और ना ही मौजूदा हालात में इसे करने के करीब है। दरअसल रिलायंस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए शुक्रवार को 11 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार कर दिया। आरआईएल ने ही पहली बार 10 लाख करोड़ मार्केट कैप का बेंचमार्क देखा था। मुकेश अंबानी के एक ऐलान ने कंपनी को इस मुकाम को हासिल करने में जोरदार मदद की। दरअसल अंबानी ने ही ये जानकारी दी कि आरआईएल अब कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है। आरआईएल ने यह कमाल ऐसे समय में कर दिखाया जब कोरोना संकट में ज्यादातर कंपनियों पर दबाव बना हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो प्लेटफॉर्म में 10 बड़ी कंपनियों के साथ 11 डील और सफल राइट्स इशू के जरिए टारगेट से 11 महीने पहले ही कर्ज निपटाने में सफलता हासिल की है। इस बीच आरआईएल का शेयर आज के कारोबार में रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। इस तरह महज 3 महीने से भी कम समय में रिलायंस के शेयर में करीब 95% की तेजी आई है, यानी 3 महीने पहले इसे खरीदने वालों की रकम करीब करीब दोगुनी हो गई है। आरआईएल का शेयर करीब 1.5% मजबूत होकर 1684 रुपए के भाव पर पहुंच गया है। 23 मार्च को शेयर ने अपने 11 साल के लो 867.82 रुपए का स्तर टच किया था। इसमें सबसे बड़ा योगदान रिलायंस जियो का रहा है, जिसने 2 महीने से भी कम समय में ताबड़तोड़ 1,15,693.95 करोड़ का निवेश हासिल किया है। जैसे जैसे जियो में निवेश आता गया, आरआईएल के शेयरों में तेजी आती गई। आरआईएल के बेहतर सेंटिमेंट्स को देखते हुए दिग्गज ब्रोकरेज हाउस शेयर में आगे भी तेजी के अनुमान को जता रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में 1,743 रुपए, ब्रोकरेज हाउस एंजल ब्रोकिंग ने 1,748 रुपए और ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टेनले ने 1,801 रुपए का लक्ष्य दिया है।